वृंदावन में भाजपा वृंदावन देहात मंडल के नवनिर्वाचित अध्यक्ष द्वारा एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें नवीन कार्यकारिणी का गठन हुआ। भाजपा वृंदावन देहात मंडल के नवनिर्वाचित अध्यक्ष विनीत शर्मा के नेतृत्व में आज रंगजी मंदिर के समीप शील वाली कुंज में एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें नवनियुक्त अध्यक्ष विनीत शर्मा ने नवीन कार्यकारिणी का गठन किया। वहीं पार्टी की रीति नीति और योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए कार्यकर्ताओं के साथ विचार विमर्श किया। बैठक में भाजपा के वरिष्ठ नेता संजय शर्मा ने आगामी चुनावों पर चर्चा के साथ 25 दिसंबर को अटल जयंती को सुशासन दिवस के रूप में मनाए जाने की जानकारी दी। इससे पूर्व बैठक में नवनियुक्त अध्यक्ष का माल्यार्पण कर स्वागत किया गया। बैठक में सभी कार्यकर्ताओं को केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा चलाई जा रही योजना की जानकारी घर घर तक पहुंचाने के निर्देश दिए गए। इस संबंध में देहात मंडल के अध्यक्ष विनीत शर्मा और भाजपा जिला महामंत्री संजय शर्मा ने जानकारी दी। में जा रहा है और क्या उद्देश्य है इसका? भारतीय जनता पार्टी मथुरा जिले के आज नव गठित वृंदावन देहात की बैठक थी, जिसमें अभी सब वृंदावन देहात का नया गठन हुआ है, जो कि निगम क्षेत्र से छूटा हुआ क्षेत्र है, जो निगम में नहीं है, उसको मथुरा जिले में मानते हुए उसका गठन किया गया है। उसकी आज परिचय दृष्टि से पहली बैठक थी पदाधिकारियों के साथ, और भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यक्रम आने वाले हैं, जैसे 25 तारीख को अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म दिवस हर बूथ पर मनना है सुशासन दिवस के रूप में, उसकी जानकारी दी गई। बूथ समिति 21 की कार्यकारिणी कंप्लीट करने की जानकारी दी गई, और भारतीय जनता पार्टी के सभी जो योजनाएं हैं हमारी, उन योजनाओं को हर बूथ तक उसका प्रचार प्रसार हो, इसकी सभी पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं को जानकारी। आज वृंदावन मंडल देहात की प्रथम बैठक तो परिचय बैठक थी। सारे कार्यकर्ताओं को, सारे पदाधिकारियों को यहाँ बुलाया गया था। जिले के माननीय पदाधिकारी, जिला महामंत्री, जिला उपाध्यक्ष भी आए थे। ये सब, एक तो परिचय हो जाए पूरी सब पदाधिकारियों का आपस में, ये परिचय बैठक थी। इसके बाद जो है, जो केंद्र सरकार की नीतियाँ हैं, जो केंद्र सरकार के कार्यक्रम हैं, वो कार्यक्रम जन जन तक पहुँचे हैं, नीतियाँ जन जन तक पहुँचे हैं, इसके लिए बूथ समिति तक का गठन, इसका हमारा मेन उद्देश्य था। उसकी पूरी एक संरचना, पूरा एक कार्यक्रम हम लोगों ने यहाँ बैठ के बनाया है। आगामी 2019 की तैयारी हमारी, जो हम लोगों को करनी है, उसके लिए हमने एक बैठक, ये पूरी उसको हमने रखा है। आगे आने वाले समय में हम इस पूरे देहात मंडल के बूथों में और सेक्टर्स, पूरे सब समितियाँ हम लोगों को बनानी है, तो उसकी ये बैठक आज यहाँ आहूत की गई।